जो आपको करना है वो आप करें, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। Hey guys, क्या हाल चाल आप सभी का। आज मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज है, सो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर आप बने रहें। आज मैं बात करने वाली हूँ बिग बॉस 17 के बारे में। क्या आप सभी जानते हैं कल सलमान खान क्लास लिए बहुत सारे कंटेस्टेंट का। वो क्लास लेना स्टार्ट किए UK07 राइडर से और खत्म किए अंकिता लोखंडे पर। इन सभी के बीच सहलका और अरुण भी पिस गए। और साथ ही साथ सलमान खान बताएं कि उनके लिए बहुत कोई सोचते हैं कि वो गलत बोलते हैं, पर उन्हें कुछ भी परवाह नहीं कि उनके लिए कौन क्या सोचता है। और आगे वो ये भी बताएं कि उनके लिए कौन क्या कहता है उनके लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए सब कुछ भी मैटर ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस घर में जो के मुझे गलत समझते हैं, समझिएगा, बेशक समझिएगा। और सलमान खान अंकिता लोखंडे को क्लास लेते हुए कहें कि विकी जान अच्छा गेम खेल रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं गेम खेलते हुए। अंकिता, ये जो एक विकी 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 जो चल रहा है, इसमें आपका गेम उभर के नहीं आ रहा। वो अपना खुद का गेम खेल रहा है, आप अपना खुद का गेम क्यों नहीं खेल रही। और आगे सलमान खान अरुण और तहलका को भी नहीं छोड़े, उन्हें भी काफी खरा खोटा सुनना पड़ा। एक्चुअली सलमान खान UK07 राइडर को टारगेट करते हुए कह रहे थे कि उनके लिए जो भी गलत सोचता है उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। पर आजकल UK07 राइडर काफी ट्रोल हो रहे हैं, पर अभी तक नहीं डिक्लेयर किया गया है कि इस वीकेंड के बारे में कौन होने वाले हैं एविक्ट। जब भी ऐसी कुछ अपडेट आती है एविक्ट के लिए तो मैं आप सभी को जरूर अपडेट करूंगी। पर क्या आप सभी जानते हैं अभिषेक कुमार बहुत गंदे तरीके से ट्रोल किए खानजादी को। उनके मन में जितनी भी नफरत थी वो उगल दिए खानजादी के सामने। वो बता रहे थे कि खानजादी काम चोर है, कुछ भी काम नहीं किया करती है, वो दूसरे के दिल को हर्ट करती है और फिर उसका फायदा उठाती है। एक्चुअली खानजादी केवल अभिषेक कुमार के लिए ही दिखाई देती है, पर वो दिन भर खुद ही सोई रहती है। ये दिन रात सोती रहती है, ये कुछ भी नहीं करती है और ये काम चोर बहुत ज्यादा है। ये जब नॉमिनेट हो जाती है तब ये बोलती है कि मुझे घर जाना है, घर से निकलो ना यार, यहाँ पे क्या कर रही हो। जब एक टास्क होता है ब्रेकिंग न्यूज के बहाने एक लड़के का दिल तोड़ती है, अगर तेरे को हैप्पी सेंबर ला देता हूँ, पर तू किसी की फीलिंग्स का मजाक मत उड़ा। ये मेरे साथ गेम खेलती है ताकि इसका सिर्फ इस घर में मैं ही हूँ इनके दिखने का रीजन। अगर मैं नहीं हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। अभी मैं बात करने वाली हूँ अंकिता लोखंडे के बारे में। अंकिता लोखंडे कंफर्म की उनकी प्रेगनेंसी के लिए और साथ ही साथ वो अपने फीलिंग्स को भी शेयर की। वो बता रही थी कि खट्टा खाने का काफी मन कर रहा है इन दिनों। तभी रिंकू धवन उन्हें टीज करते हुए कही इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू। और साथ ही साथ रिंकू धवन कहती है कि अच्छी प्रॉब्लम हुई है, जो भी है जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आप सभी को पता ही होगा कि आजकल विकी जैन और अंकिता लोखंडे काफी लड़ झगड़ रहे थे, पर ऐसी गुड न्यूज आने के बाद अंकिता लोखंडे अपने हस्बैंड विकी जैन से बातें कर रही थी और बातें करते हुए हो गई इमोशनल। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और हेलो, हाउ आर खाना खा के जाना हो।